काप न संतान के सुख से वंचित है। अब इन्हें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। मधेश के लोकसभा चुनाव के खातिर दूसरे चरण के वोटिंग जारी है। बता दें कि यही बीच ईवीएम खराब होने की शिकायत सामने आई है। बात कह रहे हैं सतना से। बता दें कि सतना से ईवीएम मशीन खराब हो गई, जहां लंबी कतार बता दें कि लगी गई, जिसके बाद मशीन ठीक करवाई गई। तवंद क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में पूछा अपना पंचायत सभी जन इनका प्रणाम कही थे शुरू कही थी। बड़ी खबर से बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच सतना में ईवीएम मशीन खराब होने की जानकारी सामने आई है, जहां हालांकि कुछ देर बाद वोटिंग शुरू करवाई गई। सतना शहर के मतदान केंद्र क्रमांक 100 में ईवीएम मशीन खराब हो गई, जिसका प्राथमिक सलाह जवाहर ने बताया कि ईवीएम मशीन खराब होने के कारण लंबी कतार लग गई। हालांकि कुछ देर बाद मशीन ठीक होने पर मतदान शुरू हुआ। सतना के प्राथमिक शाला जवाहर नगर में ईवीएम चालू नहीं हुए तक लंबी कतार लग गई। हालांकि मशीन ठीक होने के बाद बता दी कि सुचारू रूप से मतदान जारी है। अपना बता दी कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज के तहत 6 सीट पर बता दी कि चुनाव की प्रक्रिया जारी है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, खजुराहो, दमोह, सतना, नर्मदापुरम, होशंगाबाद, रीवा में वोटिंग जारी है। सवेरे 9 बजे तक मध्य प्रदेश के 6 सीटों पर 13.82% मतदान हो चुका है। सजग रही, सतर्क रही, रखिए अपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दे इजाजत, प्रणाम।